तो भाइयों आज का टॉपिक है कि श्रिम्स को फूड कौन सा दें। अब जैसे कि आपको पता है लॉकडाउन चल रहा है, तो इसमें आप काफ़ी अच्छी तरह से फूड दे सकते हैं श्रिम्स को। देखो श्रिम्स ना एल्गी और बायोफिल ये दो चीज़ बहुत ज़्यादा खाते हैं। एल्गी तो आपको पता ही काई जो कि एक्वेरियम में होती ही होती है, और ना भी हो बेशक आप लाइट जला के रख लो, चाहे आप एल्गी के लिए फर्टिलाइजर्स डाल दो, तो एल्गी बहुत जल्दी आ जाती है। दूसरी चीज़ बायोफिल, तो बायोफिल तो अपने आप हो जाती है। बायोफिल्म होती है जो छोटे छोटे नेकेड आई से जो हम नहीं देख पाते माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मतलब अ काइंड ऑफ बैक्टीरिया ही होते हैं वो भी, तो उनकी जो लेयर जम जाती है पूरे सरफेस पे चीज़ों के, चाहे वो आपका शोपीस हो कोई, चाहे ग्लास हो, चाहे हीटर हो, चाहे फिल्टर हो, चाहे कुछ भी हो, उन सब पे एक लेयर जम जाती है। अगर आपने कभी नोटिस करा हो तो एक स्लाइमी सी लेयर होती है, एक फिसल, मतलब थोड़ी चिपचिपी काइंड ऑफ, उस लेयर को भी खाते हैं। और यही दो इनके मेन फूड होते हैं। वैसे अगर आपके पास फूड है तो आप टेट्राबाइट्स डाल सकते हैं उनको कभी कभी, स्पेशली अगर आपके पास रेड श्रिम्स हैं तो, क्योंकि टेट्राबाइट्स रेड कलर को बहुत अच्छा निखारते हैं। तो अगर आप रेड कलर डालते हो श्रिम्स को, और अगर आपके पास रेड कलर के ही श्रिम्स हैं, जैसे मेरे पास आप देख सकते हैं इस टाइम चेरी श्रिम्स, देखो आप इनकी क्वालिटी। हाँ कुछ हैं जिनकी क्वालिटी थोड़ी कम है, वो इस वजह से क्योंकि मैं किसी रीज़न से किसी और के लाने पड़ गए थे मेरे को श्रिम्स, तो वो श्रिम्स ले आया था मैं, इस चक्कर में मेरे वाले भी क्वालिटी ख़राब हो गई। खैर अब मैं इनकी कलिंग करूँगा, वो तो खैर छोड़ो। तो आप टेट्राबाइट्स डाल सकते हैं कभी कभी, जो कि काफ़ी अच्छा रहता है। बाकी श्रिम्स के स्पेसिफिक फूड्स भी आते हैं कई, आप देख सकते हैं आसपास अपने स्टोर में पता कर सकते हैं जितने पेट शॉप्स वगैरह हैं। और अगर आपको होममेड कुछ चाहिए तो आप लीफी वेजिटेबल्स जैसे कि पालक, पालक उबालो जब, मतलब कम से कम 5 मिनट उबालो, जब थोड़ा वो सॉफ्ट सा हो जाए उस टाइम पर उस पालक को उसको दे दो श्रिम्स को। आप देख सकते हैं इस टाइम मेरे वाले भी श्रिम्स पालक खा रहे हैं, काफ़ी अच्छी तरह खाते हैं ये, कोई इनको दिक्कत नहीं होती। और हाँ एक बात और, स्नेल्स रखो, और हो सके तो थोड़े बड़े स्नेल्स रखो जैसे एप्पल स्नेल्स, क्योंकि इनकी जो पूप होती है वो भी खाते हैं श्रिम्स, तो इससे भी उनको फ़ायदा होगा डेफिनेटली। और दूसरी बात, ये स्नेल्स का एक और फ़ायदा होता है कि जो एक्सेस फूड होता है वो स्नेल्स खा लेते हैं, जिससे कि पानी की क्वालिटी ख़राब नहीं होती, पानी में मिलता नहीं है फूड, तो अच्छा रहता है वो पानी क्वालिटी के लिए। तो ओके गाइस, आई होप आपको अच्छा लगा हो, थैंक यू, एंड प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना, मेरे को काफ़ी नीड है सब्सक्रिप्शन की। ओके गाइस, थैंक्स, सी यू इन द नेक्स्ट वन।